नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आयुर्वेद से आयु की वृद्धि मैं हूं अक्षय विधवा और आपके साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज जो करेंगे हम सबका मार्गदर्शन और आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के इस खजाने में जी हाँ प्रकृति में आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो आपको हमेशा स्वस्थ रख सकती है अगर आप आयुर्वेद के नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं अगर आप आयुर्वेद की चर्या अपनाते हैं तो आपका जीवन हमेशा निरोगी रह सकता है इस शक्ति को जानिए तो आइए हम चर्चा करेंगे और स्वागत करेंगे स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज का स्वामी जी आपको बहुत बहुत स्वागत नमस्कार स्वागत और दर्शकों आज स्वामी जी आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं बीमारियों में जैसे कल हमने संधिवाद के ऊपर चर्चा की थी आपको बताया कि क्या कारण है क्या उसके लक्षण हैं क्या निदान हैं और कैसी आप जीवनचर्या रखें और आयुर्वेद के स्वामी जी के खजाने में आपके लिए क्या रामवाण अचूक इलाज हैं इस पर हमने चर्चा की थी आज हम चर्चा करेंगे और कई बीमारियों के ऊपर सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के साथ तो स्वामी जी सबसे पहले ये नाम बहुत कॉमन है हम सब जानते हैं और हमारे सब दर्शक जानते हैं डायबिटीज क्या होती है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तो सबसे पहले तो लक्षण से हम शुरुआत करेंगे लक्षण भी हालांकि बहुत आम है सब लक्षण जानते हैं लेकिन क्योंकि चलने की एक विधि है विधा है तो सबसे पहले लक्षण फिर उसके बाद आप बताएंगे कारण फिर निदान और फिर आपके पास जो उसके रामवाण इलाज है देखिए अच्छे जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है हमसे आजकल मानो की दो वृत्ति है या तो वो जानता है और नहीं जानता है तो जाने की कोशिश नहीं करता है और अगर हम उसे सही मार्ग बताएं तो मानने की चेष्टा नहीं करता मधु जितना सुनने में मीठा लगता है ना मधु का खाने में जितना अच्छा लगता है ऐसे इस मधुमेह का साइड इफेक्ट बहुत ही बेकार है एक लाइन में अगर ये कह दिया जाए कि एक गरीब आदमी यह सोचता है कि मैं शाम को भोजन क्या करूंगा क्योंकि उसके पास धन नहीं है और एक करोड़पति आदमी है उसको भी शाम को विचार करना होता कि मैं क्या खाऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया आपको मधुमेह हो गया मधुमेह अच्छा, इस बीमारी में एक बड़ा चमत्कार है जी। होती होती शुरुआत जीवा से होती है हाँ। और नियंत्रण भी जीवा पे ही होता है बिल्कुल बहुत सही बात है ऐसे है, हम बैठे हैं चर्चा सत्र में तो आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी ले जाना चाहेंगे व्यक्ति के विकास विनाश आरोग्य या रोग प्रगति या सदगति ये सारे की शुरुआत जीवा से ही होती है है ना तो इसी जीवा से अगर हम मीठा बोलते हैं टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें मार्केट में गुडविल होती है और इमेज बोलते हैं अगर इसी से हम कड़वा बोलने लगे तो सामाजिक छवि छीण हो जाती बिल्ण। है बिल्ण। और अगर हम जीवा के रसा स्वादन में नियंत्रण खो बैठे तो बहुत बड़ी से बड़ी हमें बीमारियां लग जाती हैं जैसे आपने मधुमेह की बात करी है तो एलोपैथ है टू टाइप शुगर टाइप वन टाइप टू इसकी शुरुआत होती है डाइजेशन से जैसे हम ज्यादा जागरण करते हैं जगते हैं डिप्रेशन में रहते हैं समय से भोजन नहीं करते हैं तो इन सारी चीजों से भी हमें डायबिटीज की शुरुआत होती है अच्छा मतलब अगर आप प्रॉपर सो नहीं रहे हैं हाँ उसका उठना अगर आपको समय से नहीं है बिल्कुल तो बिल्कुल होता है और इसके लक्षण की अगर आप बात करेंगे और इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बर्निंग होने लगती है हाथ पैरों में जलन जी जलन होने लगती है डाइजेशन क्लियर नहीं होता शुरुआती दौर में और उसके बाद में इसका साइड इफेक्ट सीधे आंखों पे जाता है अच्छा। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है हार्ट पे जाता है हाथ पैर में प्रॉब्लम्स होता है अगर किसी को इनकीफिलाईटिस में कोमा हुआ है तो एक बार वो सुधर सकता है लेकिन अगर डायबिटीज बढ़ने से डायबिटिक कोमा हुआ है तो बस प्रभु की कृपा ही उसे बचा सकती है इसलिए हमें हर चीजों पर पहले ध्यान रखना है अब अगर एक छोटा सा सवाल आता है कि प्रकृति में मानव को जीने के लिए आहार की जरूरत है ठीक है और अगर सुगर देखते हैं तो हमारे अनाज में सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा है ना तो उसके लिए प्रकृति ने हमारे अंतरांगों में एक पार्ट बना रखा है पेनक्रियास अच्छा जिसका काम है इंसुलिन को डेवलप करते रहना तो आपका तो ये हो गया सिम्टम्स डायबिटीज हो गया डायबिटीज की रोगी को एक तो कभी भूखे नहीं रहना चाहिए कम खाना चाहिए खाना ज्यादा समय खाना चाहिए भोजन उपरांत अमृत वारणी दोनों है जैसे हम भोजन के बाद अगर खींच करके दो लोटा पानी पी लेंगे तो वो विष का काम करेगा अच्छा और अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अमृत का काम अच्छा। करेगा अच्छा ये भोजन के साथ साथ पानी पीना अमृत का बहुत नहीं भोजन के साथ साथ आप उतना ही लीजिए और भोजन को ज्यादा से ज्यादा चबाने की चेष्टा करिए जिससे पाचन सत्ता बने अच्छा और खाने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं जल्दी-जल्दी खा लिए और तुरंत एक गिलास दो गिलास पानी, पानी पी, पी लिए तो उनको ये सिचुएशन में तो प्रॉब्लम होना ही होना है फिर आई साइड पे इफेक्ट होगा मोतियाबिंद होने लगा बहुत सारे सिचुएशन आते हैं इसलिए आहार पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए एक दर्शक हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी दिल्ली से फोन लाइन पर हैं आपका स्वागत है ओम प्रकाश जी बताइए महाराज जी प्रणाम जय हो बताइए मेरे को जी मतलब यूरिन ज्यादा था रात के टाइम में ज्यादा था जी देखिए आपको जो यूरिन ज्यादा आती है इसका एक लक्षण डायबिटीज भी हो सकता है आपकी एज क्या है ओम प्रकाश जी मेरी जो है चौसठ पैंसठ है कितनी चौसठ चौसठ पैंसठ जी सिक्सटी फोर फाइव जी जी सिक्सटी फोर फाइव आपका नियर अबाउट है आर यू सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड तो आपके प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपको डायबिटीज का तो इसके लिए आप तुरंत ही चेकअप करवा लीजिए और जब तक आप कुछ नहीं है आपको नियंत्रण चाहिए तो मैं आपको एक उपचार बताता हूँ डायबिटीज तो मेरे को है जी नहीं अब मैं वही बता रहा हूँ ये डायबिटीज के लक्षण हैं और प्रोस्टेट के भी लक्षण हैं आफ्टर प्रोस्टेट क्या होता है जी हाँ प्रोस्टेट होता है प्रोस्टेट को जैसे प्रोस्टेट यानी पैंतालीस साल के बाद हमारे शरीर में ब्लड डार्क हो जाता है इसी प्रोस्टेट यानी जिसे आप देखते हैं तो आगे चल के प्रोस्टेट का कैंसर भी होता है तो आइए समय को देखते हुए मैं आपको सिर्फ आपके थोड़ा सा निदान बता दूं डायबिटीज है अभी डायबिटीज में तो बहुत से लोग दावा करते हैं लेकिन निदान होता नहीं जेनेटिक माना गया है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आप है ना थोड़ा सा करेले का अर्क सुबह लिया करिए ठीक है जी और जामुन के दस पत्ते बेल के दस पत्ते ठीक है जी है ना इन दोनों को मिला करके अर्क का सेवन करें और नाम लिख लीजिए अगर आपके पास कागज पेन है तो आयुर्वेद में ये गुड़ मार करके वनस्पति आती है उसका एक चम्मच सुबह और शाम सेवन करें आपको निश्चित ही दोनों टाइप के शुगर से आराम मिलेगा और इससे भी नहीं कंट्रोल होता तो स्क्रीन पे चल रहे नंबरों में कांटेक्ट करके आप हमारे यहाँ से मधुमेह की दवा मंगवा लीजिए अब आपको हमें बता दें कि हमारी दवा और दूसरे की दवा में फ़र्क क्या है दूसरे लोगों की दवा आपके शरीर में सिर्फ इंसुलिन बैलेंस करती है लेकिन मेरी दवा से आपका स्वादिष्ठान पिंड पिंडक्रिया सक्रिय होता है और आपके शरीर में ही इंसुलिन जनरेट होने लगता और फिर कभी ऐसी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन आयुर्वेद में कम से कम छह महीने आपको दवा लेना पड़ता है, है जी थोड़ा समय से खाइए समय से सोइए और आप डिप्रेशन से फ्री रहिए क्योंकि उसका भी बहुत असर पड़ता है ठीक है जी ओके धन्यवाद जी बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका ओम प्रकाश जी आपने कॉल किया प्रोग्राम में और स्वामी जी ये चर्चा तो कर ही रहे हैं हम तो इसके ऊपर डायबिटीज के ऊपर के ऊपर इसके बाद अगली बीमारी एक जो बहुत कॉमन है लोगों में फिट मिर्गी या एपिलेप्सी याप्सी इसके बारे में बताइए अक्सर ये इस चीज के जो मरीज होते हैं एपिलेप्सी के या मिर्गी के हेल्पलेस होते हैं मदद क्योंकि जब आपको दौरे पड़ते हैं दौरों की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी आप तैयारी नहीं रख सकते बस वो अपने आप आपको कभी भी हो जाएगा और आप मदद अगर नहीं मिली आपको तो तकलीफ बढ़ सकती है देखिए अजय जी इनमें काफी चीजें हमारे पेरेंट्स को भी देखनी पड़ती हैं मैं इसके कई सूत्र बताऊंगा जो आजकल के एम डी अच्छे अच्छे च्यार, आयुर्वेद आचार्य नहीं बताना चाहते आजकल एक तो जैसे बच्चे की प्रेगनेंसी होती है बाय बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है तो लोग वैक्यूम लगाते हैं खींचते हैं तो ब्रेन की नस चोकअप होती है और एक एज के बाद ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यू ना होने से भी फीट आने लगती है मिर्गी आने लगती है यानी कि इसकी शुरुआत जन्म के साथ मैं आपको कई रीजन बताऊंगा इसका दूसरा हमारा बच्चा खेल रहा है हम कई बार केयर नहीं कर पाते नहीं। गिर गया है उसके सिर में लग गई है चोट वो बाद में ब्लड क्लॉथ जमा हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ना होने से भी एपिलेप्सी होती है अच्छा। अगर हमको बुखार है इनकीफिलाईटिस जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं नहीं। नहीं। उससे भी आपको ये बीमारी लग जाती है कई सारे रीजन है इसके लेकिन विषय हम रीजन की ना करें इसके उपाय की करें तो इसमें आज जितने भी लोग मार्केट में आ रहे हैं ये कहीं से कहीं तक परमानेंट एपिलेप्सी को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते अच्छा। शिवा सिवा आयुर्वेद के लेकिन आयुर्वेद में भी मैं आपको एक बहुत बड़ी आपका ये दावा है कि एलोपैथी और होम्योपैथी में एपिलेप्सी के लिए कोई दवा कोई दवा के अलावा कोई नहीं है नहीं वो मैं आपको क्या दे सकते हैं चलिए भाई इफकार दे देंगे एपाइलानसी दे देंगे है ना या इससे सारी ब्लड को पतला करने की कोई दवा दे दे। ये, ये देगा अच्छा, अगर वर्ष तक अंग्रेजी दवा देते हैं तो मंद हो जाएगा हुँ। उसकी हुँ। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो क्षीण हो जाएगी तो आयुर्वेद में है इनकी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जैसे अंबर है ब्रह्म है इसको डिपेंड करता है कि आपने उसकी शुद्धि कैसे की है अब तो कह ठीक है जिसको कुछ नहीं वो भी कूट पीस कर कहते हैं मैं वैद्य हूँ ठीक है सिर्फ भौतिक गो में और थोड़ा हाथ से हाथ से पद लगेगा आपको मेरी बात मैं पूर्ण रूप से देखता हूँ कि हमारा भारत जो है ना गरीबी की तरफ जा रहा है तो उसमें बत्तीस गरीबी का कारण जो बीमारी है ये बीमारी एक ऐसी वला है कि पूरे परिवार की कम्युनिटी ब्रेक हो जाती है भाई पापा को कैंसर हो गया तो बच्चे का स्कूल जाना बंद हो गया पापा को कैंसर हो गया तो घर की प्रॉपर्टी बिक गई इसलिए हम सब कुछ बर्बादी ना देखने से पहले शरीर को और प्रकृति को समझ नियंत्रण में रहे सबसे पहले जी एपिलेप्सी के लिए हम आपको बताएंगे आयुर्वेद की जो व्यवस्था है आयुर्वेद में डिपेंड करता है आपने किसकी शुद्धि कितनी की है शास्त्रोक्त पद्धति और आधुनिक पद्धति हम भस्म बना रहे हैं हमने शास्त्रोक्त पद्धति से उसे शुद्ध किया 100 परसेंट रिजल्ट आएगा लेकिन हमने उसको एसिड से भस्म बनाया है

अब आज हमारे युवा बच्चे सिर्फ आकर्षण के लिए थ्रेडिंग करते हैं हाईब्रेड करते भी हैं भी करते पता स्क्रीन एलर्जी हो गया हु, है ना तो ये सारी चीजें बहुत कुछ डिपेंड करती चलें ये मेरा निवेदन दर्शकों से रहेगा आइए सुमन जी इस वक्त हमारे साथ अगली दर्शक हैं पंजाब से आपका बहुत स्वागत है सुमन जी हाँ जी गुरु जी प्रणाम जय हो जय हो बताइए सुमन जी बताइए गुरु जी मेरे मम्मा को ना सर्वाइकल है तो चक्कर बहुत आते हैं गुरु जी उनको वो इलाज भी कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे देखिये बहन जी मैं आपको एक निवेदन करूंगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस उनको यल फोर में है यल फाइव में है गर्दन में है गुरु जी सी डी में है ठीक है हाँ। चलिए आपको एक निवेदन और बहुत छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा कि एलोपैथ में या और दूसरे में इसका कोई निदान ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा कोई डॉक्टर साहब को पट्टे दे देगा गले का बेल्ट दे देगा कैल्शियम की टेबलेट्स आयरन की टेबलेट पेन किलर यह दवाइयाँ दे देगा दे या ऑपरेशन की बात करेगा जो हंड्रेड परसेंट अनगारंटेड है इसके लिए आप अपनी माता जी को बोलिए कि वो गद्दे पर ना सोएँ सिर के नीचे तकिया ना लगाएँ शरीर का वजन ना बढ़ने दें और अगर आपको परमानेंट निदान करना है तो आयुर्वेद से करिए आप हमारे स्क्रीन के नंबरों पर फ़ोन करें आपको दवाइयाँ मिलेंगी और मैं ये निवेदन करूँगा दवा लेने के दो दिन तीन दिन बाद हमें इम्प्रूवेंस बताते रहें और अगर आपको परमानेंट वो गैप ही ख़त्म करना है तो उसके लिए एक बार आश्रम पे आना पड़ेगा और हमारे यहाँ कोई आपके रुकने खाने पीने का कोई चार्ज नहीं होगा आपकी निःशुल्क वहाँ सेवा की जाएंगी बाकी सुमन जी धन धर्म का पूरक है और हम सन्यासी हमारे पास तन मन और विद्या ही है आप लोगों के ही धन से सेवा कर रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है चलिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद कॉल करने के लिए सुमन जी आपका कार्यक्रम में और अगले दर्शक दीपक यादव जी फोन लाइन पर हैं जी दीपक जी बताइए दीपक यादव आपका कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे स्वामी जी एपिलेप्सी पर अभी आपसे हमने जाना कि क्या? इसके आपने एक बहुत रोचक बात कही कि इसके से होती है टोकना चाहूंगा अचंबित हूँ जन्म से नहीं प्रेगनेंसी पीरियड से भी होती है जैसे हम बच्चा आता है प्री मेच्योर डिलीवरी है तो उसके स्नायु का विकास नहीं होगा उसका रीजन क्या रहेगा जब वो दस साल का होगा तो उसकी एक्टिविटी चार साल के बच्चे की होगी या बच्चा प्रेगनेंसी में आया गंदा पानी में चला गया तो भी ये सारी चीजें हो सकती हैं इसलिए पेरेंट्स को डॉक्टर्स को सबको तन और प्राण जैसे कोऑपरेशन देना चाहिए तो जीवन सुखद होता है जी और कोशिश होनी चाहिए कि सब नेचुरल हो जी जी प्राकृतिक व्यवस्था होनी चाहिए दीप्ति जी हमारे साथ अगली दर्शक है पंचकूला से आपको बहुत स्वागत है दीप्ति बताइए जी जी नमस्कार नमस्कार बताइए हाँ जी सर मेरे को ये पूछता तो था मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था उससे ना स्टडी का स्ट्रेस पड़ गया तो थोड़ा सा डिप्रेशन में है वो तो पढ़ाई भी छोड़ रखी है उसने कोई इलाज बताएंगे जी।, जी आप सवाल दोहराएंगे थोड़ा सा डिप्रेशन में है बस हाँ जी हाँ जी यास यास। वो तेईस साल का है देखिए मैं आपको एक बता दूं कि आदमी के जीवन में दो चीजें बहुत सुखद और दुखद अनुभव कराती हैं एक आशा और आतृप्ति हाँ जी। है ना होपफुल लाइफ होती है अगर हाँ। उम्मीदें नहीं पूरी हो तो आदमी डिप्रेशन में आता है और इस हाँ चीज़ को हम सीजोफोर्निया या हेलिंगस कह सकते हैं जो एक कल्पना की जाती है वो व्यक्ति हाँ को आप एक तो आप अकेला मत छोड़िए दूसरा मोरल सपोर्ट दीजिए उसके अंदर हाँ जो है ना उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करिए और उसको बताइए कि आपके लिए लाइफ में योर टारगेट है इज टाइगर जैसे चीता निकलता शिकार नहीं मिलता है तो भी वापस नहीं आता जब तक शिकार ना कर ले तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे और दवा के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं आप लिखिए जरा चार अंजीर लीजिए अच्छा जी चार, चार अंजीर को शाम में दूध में भिगा दें और सुबह उसको अच्छा पिलाया करें और बाकी इसके लिए मानसिक चीजों के लिए और मसाज के लिए जो तेल है जो रोम रोमछिद्रो से उसे जागृत करेंगे ऐसे देखिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन में एक बीटा सेल्स और सिक्स सिक्वेंस होते हैं तो जब हम किसी तरफ वन साइड सोचने लगते हैं तो हैंग होने लगते हैं इसी का नाम है डिप्रेशन तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे हमारे लोग आप तक औषधियां पहुंचाएंगे छह महीने में वो डिप्रेशन फ्री हो जाएगा और आप एक बार परमात्मा से प्रार्थना करना कि मेरे हाथ में यश आए और आपका भाई डिप्रेशन से फ्री होकर सुखर लाइफ जिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए दीप्ति पंचकुला से आपने कॉल किया हमारे इस प्रोग्राम में आ, अगली बीमारी के बारे में हम जानेंगे स्वामी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं छह रोग जी टीवी जी अब तो हालांकि इलाज निकल आया है लेकिन एक दौर के बारे में हमने सुना है जब छह रोग लोगों को होता था तो उसका निराकरण मृत्यु के बाद ही होता था देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित है प्रकृति में तो ये चीज है जैसे जीव जीवाश्म जायंते कल के एपिसोड में बताया था मैंने कि वृक्ष को जानवर खाता है फिर वृक्ष उत्पन्न होता है फिर जानवर खाता है प्रकृति का चक्र हाँ, तो तो, है तो शून्य शून्य से तक छह जो ना वनस्पति नौ चंद्रोदय अगर ग्रंथ को आप हमारे पढ़ेंगे पेज पर चौथे चैप्टर के अंदर क्षमा और ससा, इन तीजों से इसको जोड़ा गया है ये एक तरीके का फीवर है जैसे हम ब्रोनकाइटिस जैसे कह सकते हैं कंप्लीट ब्रोनकाइटिस नहीं कह सकते हम धीरे धीरे जैसे गर्म ठंडी चीजें खाते हैं न्यूमोनिया होता रहता है टाइफाइड हो जाता है इंटरनल जो हमारे अंदर बुखार बन जाता है वो बुखार धीरे धीरे हमारे जो है व्हाइट ब्लड सेल्स को भी करता है फ्लेटरेट्स को कम करता है और वो बुखार ज्यादा होने से आदमी का वेट कम होने लगता है टीबी से मृत्यु नहीं होती टीबी के बाद जो डिसेज है वो कंट्रोल नहीं हो पाते इसलिए होती है तो टीबी के पेशेंट के लिए मैं बताता हूँ आप अगर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं तो नोट कर सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है सबेरे गाय का गोमूत्र जो निकलता है उपयोग में लेने से 32 मिनट पहले उसमें फटकरी डाल दें क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है गोमूत्र 200 सौ एम एल गोमूत्र है अगर तो इसमें 20 तुलसी के पत्ते 20 भृंगराज के पत्ते 20 पुदीना के पत्ते भृंगराज का एक नाम और है वो बता दीजिए दर्शक हमारे कंफ्यूजन भृंगराज भंगरैया बोलते हैं भोजपुरिया में उसको भंगरैया बोलते हैं उसको भोजपुरी में और ऐसे बॉटनिकल में जाएंगे तो समय अभाव है लेटनिक नेम्स भी बहुत है तो भृंगराज है और उसके बाद अपने को थोड़ा सा खसखस -खस डालें और सालम पंजा एक वनस्पति और चालीस ग्राम डालें इसको बॉयल करें उसमें थोड़ा सा शहद डाल दें दो चम्मच सुबह दो चम्मच शाम ये मिश्रण कितने दिन चलेगा जो आप बता रहे हैं ये आप करीबन तीन महीना ले लें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं ठीक अगले दर्शक हमारे साथ मोहन सिंह हमारे साथ हैं आपका बहुत स्वागत है मोहन सिंह जी बताइए मुझे प्रणाम जय हो जय हो बताइए सर ये मेरे मैं आओ का पेशेंट हूँ आओ मेरे को बनता है जो भी खाता वो आओ में ही कन्वर्ट हो जाता है <सथ> और मैं खाना भी मेरे को भूख बहुत लगती है और मेरा वजन जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है कम से कम बीस किलो मेरा वजन कम हो गया दो साल के अंदर अंदर ठीक है सर मैं आपको एक निवेदन करूं मोहन सिंह जी आपने कॉल किया बहुत समय पे जी जी हमारे अंदर आपके एक तो सबसे पहली बात लीवर की गर्मी है समय से आपका खाना नहीं हो पाता होगा और खाने पीने के लिए मैं एक छोटा सा सलाह दूंगा आपके पास कागज कलम है लिखिए आप आपजिष्टा जी 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 जी। दस ग्राम अच्छा मैं आपके यहाँ नहीं मैं आपको दवाइयाँ भेजूंगा आपको हम आपके हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है लेकिन तब तक आपको कुछ और तकलीफ ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वजन तो ठीक खाता पीता तो ठीक है लेकिन मेरा क्या वजन ही कम होता जा रहा है ठीक है अगर आपका बार बार वजन कम होता है तो आप स्क्रीन पे लगे नंबरों पे कॉल कर लीजिए आपको दवा पहुँच जाएंगी और आपसे ये चाहूंगा मैं आप तीन चीजें चेक करवा लीजिएगा जरा टीवी और तो ये टीवी भी नहीं है और एच भी मैंने चेक करवाया मैं आपसे निवेदन करूंगा हमें लगता है कुछ नहीं है लीवर फंक्शन जो है ना वो बार बार कमजोर हो रहा है जठर आग्नि मंदाग्नि बढ़ रही है इसलिए हमको वो आम्ल पित्त विकार पे है आओ में कन्वर्ट होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से हमारे लीवर में प्रॉब्लम है और वो जठर आग्नि मंदाग्नि बढ़ने से है ये लीवर का फंक्शन लेकिन वेट आदमी का तीन ही जगह कम होता है या तो टीबी में या तो बोन टाइफिड में या फिर एच में तो आप रिपोर्ट करके मेरे ईमेल पे भेज दीजिएगा आप कहाँ हैं आउट ऑफ स्टेशन फ़िलहाल अभी मैं तो मुंबई में हूँ सर जी तो आपको मुंबई के नजदीक में ही मेरी फैक्ट्री है वहाँ के मिल लीजिएगा या फिर थाना में कॉन्टेक्ट दूंगा वहाँ मेरे डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा जी, जी 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 बहुत ठीक okay. है बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए मोहन सिंह जी और अगली दर्शक तृप्ता जी हमारे साथ है मुंबई से तृप्ता आपका बहुत स्वागत है बताइए प्रणाम गुरु जी कल्याण में बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है ठीक है हाँ जी मतलब कोई भी टेंशन हो जाती है तो बीपी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 200 और 120 तक हो जाता है अच्छा अच्छा तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि बीपी ज्यादा बनती है तो साल्ट इज पॉइजन नमक कम खाइए जी ठीक है मरजी नमक तो वैसे मरजी कम खाते हैं घी भी ज्यादा नहीं लेते जी 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 वो आपकी मानता है आ, लेकिन एक तो नमक कम खाइए दूसरा गरम मसाला तीखा ये सारी चीजों पे कंट्रोल रखिए और रुद्राक्ष है ना रुद्राक्ष हाँ जी जी महाराज रुद्राक्ष रगड़िए हाँ निकलेगा जैसे चंदल तो एक चम्मच वो सुबह और शाम दूध हाँ। के साथ लेते रहिए आप ठीक है और बाकी बीपी के लिए आप हमारे इसमें कॉन्टेक्ट कर लेना मुंबई में आपको थाना से भी मिल जाएंगी जलगांव से भी मिल जाएंगी ठीक है और आपको थोड़ा सा एक निवेदन है कि आपकी लाइफ जो मतलब जैसे मेरा एक सब्जेक्ट साइको भी रहा है जी, जी, और मैं अभी तो आपसे पहले संपर्क में हूँ इनका पूरा जीवन स्ट्रगल वाला है तो इन्होंने जो किया सब खो दिया तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ आज से नई जिंदगी शुरुआत करिए परमात्मा के चरणों में निवेदन करिए मैं आपको दवा 100% परसेंट भिजवाऊंगा और आपका बीपी भी कंट्रोल होगा और आंखों के नीचे का कालापन झुर्रिया डिप्रेशन सबसे मुक्ति मिलेगी आपको ठीक है महाराज बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए तृप्ता जी अगली बीमारी की ओर हम बढ़ते हैं और स्वामी जी आप हमें बताएंगे एच आई वी एच आई वी की शुरुआत और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा एक असाध्य रोग माना जाता है दवाइयाँ बड़ा कम असर करती हैं और प्रकृति रोग की कुछ ऐसी है कि असर होते होते जब तक असर होता है तब तक बात बहुत दूर तक निकल चुकी होती है जी जी बिल्कुल सही बात किया है आपने एच आई वी जो है एक वायरस का नाम है ह्यूमन इंजूरियस वायरस तो हमें जड़ पे जाना है हम हमारा जो भी व्यवस्था है पहले हमें जाने वायरस किस चीज का है यह वायरस एक तो इंसान का है नहीं चिंपा जी नाम के एक बंदर का वायरस और कुछ चीजें अभी समय अभाव है नहीं हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत आज आप एच आई बी कह रहे हैं लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ब्राजील वगैरह में इसी बीमारी को जब गे फौजे बहुत सारी रीजन है प्रोस्टिट्यूशन थे बहुत सारी चीजें थी उस समय इसी बीमारी को भी आई डी कहा गया था HIV की शुरुआत में सबसे पहले शरीर में वायरस है। डीएनए आर ब्लड सेल्स के आउटसाइड में, है, RNA, में है। इसमें एक तरीके का प्रोटीन है जिसे हम प्रो पी ट्वेंटी एंटीजन कहते हैं उसका शरीर में पाया जाना ही एच होने का संकेत करता है यह क्या करता है पहले आपके व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत कड़काओं को छीन करता है बाद में रेड सेल्स को इसलिए रिट्रो वायरस कहा जाता है आरएनए लीवर डेमेज होता है उसके बाद आपको जॉंडिस हो सकती है हार्पिस जोस्टर हो सकता है कंप्लीटली बोन टाइफाइड हो सकती है थ्रोट इंफेक्शन हो सकता है टीबी हो सकती है और ये जेनरेटिक होते हैं एच से किसी की मृत्यु नहीं होती एच से होने वाली पूरक बीमारियों का समूह जब इकट्ठा होता है शरीर के हर ऑर्गन्स जी, जी, तो हैं। हैं। तो क्योंकि भारत का प्राणी अगर अपने आप को नियंत्रित करे तो कुछ आयुर्वेद के औषधियों को लेकर के एच होते हुए भी पचास साल जिंदा रह सकता है अच्छा उसके साथ भी आप बिल्कुल बिल्कुल आप सफरिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें जैसे है फिजिकली रिलेशन इज नॉट अलाउड टू योर ट्रीटमेंट पीरियड नॉट अलाउड एल्कोहल चिली आइटम स्मोकिंग तो हम नियंत्रण करें इन चीजों पे चलें आयुर्वेद की चीजों का करें तो 50 साल तक आप पूर्ण रूप से सफर कर सकते हैं और ईश्वर से जो छाती खोल के आपने जिम्मेदारियों को स्वीकारा है उसका निर्वाह करके अपने बच्चों का सुखद भविष्य दे देते हैं अच्छा जी आपको मैं बताना चाहूंगा इस विषय पर हमारी एक एनजीओ है ब्रह्मांडपुरी स्वामी कृष्णानंदपुरी फाउंडेशन एटीजी टी चैरिटेबल अच्छा तो जैसे समाज में एक व्यवस्था आती है ना कि भाई छूने से होता है और अगर छूने से होगा ना तो एचआईवी सबसे पहले मुझे होगा ठीक क्योंकि मैं ऐसे पांच हजार बच्चों को गोद ले रहा हूँ कि जिनके माँ बाप एच में मर चुके उनका नहलाना खिलाना पानी सब मैं करता हूँ और निःशुल्क उसमें किसी से कुछ नहीं तो मैं समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी को एच है तो इसे इस तरीके का भेद ना करें कि छूने तो से, से साथ भी में, में बैठने से साथ में खाने से नहीं होती जी अच्छा आयुर्वेद में इससे बचाव के क्या तरीके आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके हैं आयुर्वेद में जैसे गोमूत्र का सेवन कम्पल्सरी करें वातवर्धक चीजों को ना खाएं तीखा ना खाएं खट्टा ना खाएं गरम मसाला ना खाएं एल्कोहल को ना लें पान बीड़ी गुटखा सुपारी ना लें क्योंकि आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी सूत्र है कि बिंदु धारणे जीविका की बिंदुना से मृत्यु अच्छा बिंदु धारणे जीविका बिंदुना से मृत्यु इसके बाद आयुर्वेद में आपको रोज सुबह अगर आप बीट यानी हिंदी में चुकंदर कहेंगे मराठी में बीट कहते हैं हम उसको एक चुकंदर का अर्क रोज ले आयरन डेवलप होगा हेमोग्लोबिन होगा ब्लड प्योरीफाई होगा अश्वगंधा है प्रवार पृष्टि है सालम पंजा है अंबर है कुछ भस्मों की व्यवस्था है ये सारी चीज़ों का मिश्रण करें जैसे आपने ब्राह्मी डाला तो आपके मानसिक विकास को प्रगति पे ले जाएगा चिरायता डाला इससे होने वाले बुखार को रोक देगा अश्वगंधा प्रवार पृष्ठी सालम पंजा ह्यम्यूनिटी पावर डिफेंसी को जनरेट कर देगा और जब तक आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही स्लो डिटेक्टर बीमारी है अगर बाई बे किसी तरीके से इंटरनल या एक्सटर्नल आप एचआईवी बाधित लोगों के संपर्क में आए हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने के लिए मैक्सिमम 12 से 18 महीने आपको लगता है और कल फिर आप देखिएगा इसी समय इसी चैनल पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद से आयु की वृद्धि स्वामी ब्रह्मांडपुर हमारे बीच आपने कीमती समय दिया मार्गदर्शन दिया बहुत बहुत धन्यवाद तो कल फिर हम उपस्थित होंगे तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए आप सभी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए शुभ रात्रि नमस्कार